ट्रेडिंग एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल फॉर्म, इसको सीखना पड़ता है और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखते ना, आपका लॉस गारंटी है। सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावा। इंडेक्स व्यू 22 जून 2023 और आज है वेडनेसडे, कल है एक्सपायरी। क्या करें, मार्केट में बहुत अच्छी तेजी है, ब्यूटीफुल तेजी। अब कहाँ है ये, वही कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के अंदर ही है। लोअर लेवल से बाउंस मिला, अपू मिला है, अब जाकर अपू मिलता है तो ये ऑल टाइम हाई है 18,881.45। ये पार कर सकता है, कैपेसिटी तो है, पोटेंशियल तो है, फिर जाके 19,000 के आसपास अटक सकता है, 18,900-19,000 के आसपास अटक सकता है अगर अपू मिलता है तो। हो सकता है कल गैप डाउन मिले, लेकिन गैप डाउन मिलेगा तो एक साइडवेज रहेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, या तो शॉर्ट स्क्वीज भी हो सकता है, वो शॉर्ट स्क्वीज एक न्यू हाई बना सकता है। क्या मालूम क्या करें, फिलहाल ठीक ही नज़र आता है, पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्या लगता है, बैंक निफ्टी में बाउंस लिया 43,450 के आसपास, इसमें अगर अपू मिलेगा तो 44,000 to 44,100 ये एक जोन है, वहाँ पर रुकेगा। कल एक्सपायरी हो सकता है, वहाँ पर वीकली एक्सपायरी है तो वहाँ पर रुक सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत का सवाल है, कल अगर गैप अप दिल से बना तो ये भी पार कर देगा, फिर तो बहुत अच्छी शॉर्ट स्क्वीज होगी। क्या होता है या नहीं होता है पता नहीं, लेकिन कल थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ इंटरनल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो पॉसिबल है कि गपू मिले। मेरे ख्याल से अगर डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो बाय द डिप्स इज द मैक्सिम, मार्क योर पॉइंट्स एंड ट्रेड योर पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।